टू प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, टिपिकल स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में प्रूव करने का टॉपिक है ये. तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया. तो आपने क्या करना है कि स्कूल में आ सकता है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को आपने ए से बी पे लेके जाना है, एच हाइट कवर कर रहा है, पहले रास्ते सीधे रास्ते से ऊपर लेके जाना है. फिर आपने क्या करना है, ए से लेके सी से लेके डी से लेके ई से लेके बी पे लेके जाना है, घुमा घुमा के लेके जाना है. फिर आपने कैसे लेके जाना है, इंक्लाइन प्लेन से लेके जाना है, लेकिन हाइट उसकी अभी भी एच ही रखनी है. तीनों केस में प्रूव कर दूंगा कि वर्क डन की वैल्यू एम जी एच है. तो मानना पड़ेगा कि अगर वर्क डन सब में सेम है तो इसका मतलब वर्क डन कंजर्वेटिव है. तो इसका मतलब कि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता आप कैसे लेके आए. तो पॉइंट नंबर वन तो आपने कर लिया, आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो. अब आप एक्सटर्नल बन के काम करें, आपकी फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जीरो है और फोर्स आपकी एम जी है, तो वर्क डन बताओ क्या रहेगा पहले केस में, एम जी एच केस नंबर वन क्लोज. ये आपने केस नंबर वन लिखना है पहले. फिर आपने केस नंबर टू लिखना है कि आपने बॉडी को यहाँ से यहाँ से यहाँ लेके आए. जब आप बॉडी को ए से सी पे लेके जा रहे हैं, आपकी फोर्स कहाँ है, ऊपर है, ए सी भी कहाँ है, ऊपर है, तो एंगल इनके बीच में क्या है, जीरो है. तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो, तो आंसर क्या आएगा, एम जी इंटू ए सी. ये वर्क डन है. लेकिन जब आप सी डी लेके आओगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम है. ग्रेविटी कहती है मैं फोर्स सिर्फ वाई एक्सिस देखती हूँ, तुम अगर एक्स में गए वो मेरे को नहीं पता, तुम एक्स में गए, मेरी फोर्स तो वाई एक्सिस में है, डिस्प्लेसमेंट एक्स में है, तो एंगल इनके बीच में कितना हो गया 90, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो. तो ग्रेविटी कहती है कि ये वर्क डन मैं काउंट नहीं करूंगी. फिर उसके बाद डी ई की बात करते हैं. डी ई में फोर्स कहाँ पर है, ऊपर है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, ऊपर है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, एम जी इंटू डी ई, और ये वर्क डन फिर से आंसर क्या हो जाएगा, जीरो. तो आप इसका 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 वर्क डन अगर ऐड करें तो दो वर्क डन हॉरिजॉन्टल तो जीरो हो गए, एक बन गया एम जी इंटू ए सी, एक बन गया एम जी इंटू डी ई, लेकिन फिगर में ए सी और डी ई मिला के क्या देगा, एच. तो इसकी जगह क्या आ गया, एच. आंसर इज एम जी एच. तो अगर हम अब ऐसे जाएं इंक्लाइन प्लेन थर्ड केस, तो अगर हम टेढ़ा लेके जा रहे हैं लेकिन हाइट अभी भी एच है, तो उस केस में क्या करेंगे, आप फोर्स कहाँ लगाओगे, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर. आप फोर्स कितनी लगाओगे, एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो आपने वर्क डन कितना किया, एफ इंटू एस, एफ एस कॉस जीरो. तो एफ की जगह क्या पुट करेंगे, एम जी साइन थीटा इंटू एस, और साइन थीटा इस ट्राइंगल में एच बाई एस है, तो एच बाई एस पुट करेंगे, एस और एस कैंसल, आंसर क्या आ गया, एम जी एच. तो आपके सामने अगर स्लाइड लेके जाएंगे तो भी आंसर एम जी एच. तो तीनों केस में एम जी एच. और चौथा केस और लिख देना कि अगर मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका और वो बॉडी वापस नीचे आ गई, तो जाने का वर्क डन माइनस एम जी एच है, आने का प्लस एम जी एच है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज जीरो. तो ये पता लग जाएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इसके अंदर क्लोज्ड पाथ में नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आ रहा है, जीरो. ये चार केस लिख देना और बता देना कि ग्रेविटी अगेंस्ट जो भी काम किया जाएगा वो कंजर्वेटिव इन नेचर है. क्लियर है यहां तक, चार केस कैसे लिखने हैं आपने इसमें.